कैसे हैं? मैं दुर्गेश जायसवाल, मेरे यूट्यूब चैनल ई-लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। कल से आपको नोट्स मिलना प्रारंभ हो जाएगा, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि नोट्स किस किस के मिलेंगे, सीटेड, रिपीटेड और सुपर टेड। इस सबसे पहले आपको प्रारंभ में आपको सीटेड के नोट्स मिलना प्रारंभ होगा। नोट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, नोट्स आपको कैसे प्राप्त होंगी, मैं आपको एक पूरी जानकारी आज मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं नोट्स में 5 सब्जेक्ट हैं। पहला बाल विकास, दूसरा मैथमेटिक्स, तीसरा पर्यावरण, चौथा भाषाएं, भाषा 2। तो किसी कुछ लोगों ने भाषा फर्स्ट हिंदी, तो अगर हिंदी भाषी राज्य से है हिंदी आपने रखा ही होगा। सेकंड भाषा, द्वितीय भाषा की बात करें, जो द्वितीय लैंग्वेज है या फर्स्ट में आपने सेकंड चूज किया होगा, वो आपको हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, मतलब 3 लैंग्वेज मेरे पास है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। इन्हीं में से आपको 2 लैंग्वेज को चुनना है। ये 5 सब्जेक्ट है और सबके शिक्षण अलग अलग है। आपको पता है सीटेड यूपीटेड में काफ़ी डिफरेंस है, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूब के चैनल के लोग, बहुत सारे कोचिंग संस्थान, मैं जौनपुर जनपद में, जौनपुर जनपद में लगभग सभी पूरा यूपीटेड की तरह से पढ़ा रहे हैं, यूपीटेड में ही पढ़ा रहे हैं, सीटेड पढ़ा रहे हैं, बस लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं। छोड़िए, सबसे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो आते पहले बाल विकास की बात करते हैं। बाल विकास के नोट आपको 2 तरह से मिलेगी। पहला आपको पूरा सीटेड के सिलेबस के आधार पर मिलेगी, दूसरा दीपक जी की सहायता से कुछ नोट्स प्राप्त हुए हैं जो ललितपुर डायट से हैं, उनके और वो नोट्स दोनों मिलाकर आपको प्राप्त होंगे। और दूसरी बात करते हैं, अब आते हैं मैथ की बात करते हैं। मैथमेटिक्स की जो अगर मेरे नोट्स लेंगे, उन्हें मैथ की कुछ वीडियोज फ्री में दी जाएंगी। कारण क्या है, जो मैथ का मैं सिलेबस बना रहा हूँ, जो नोट्स बना रहा हूँ, 2 तरीके से बन रहा है। पहला तो उसमें मैं केवल क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप मैथ पढ़ के बेहतर नहीं कर सकते, इसलिए उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे। सॉल्व कैसे होंगे उसके तरीके आपको नहीं पता होंगे, इसके लिए मैं आपको वीडियोज फ्री में दूंगा। दूसरा आता है शिक्षण की बात करते हैं। दूसरा आपको गणित शिक्षण मिलेगा, गणित शिक्षण 2 मिलेगा, एक मेरे द्वारा मिलेगा और दूसरा एनसीईआरटी के पैटर्न, पूरे एनसीईआरटी की पूरी गणित की वो मिलेगी, लगभग 30 से 32 पेज की, वो 30-32 पेज की, वो 2 गणित शिक्षण हो गई। आते पर्यावरण की बात करते हैं। पर्यावरण में अगर हम बात करें, तो पर्यावरण में जो सबसे ज्यादा सीटेड के लिए है, वो एक अच्छा 3, 4, 5 की पर्यावरण की आसपास की किताब, जिसे आसपास के नाम से जाना जाता है। लेकिन इतनी इतनी मोटी किताबें, मैंने सबसे कहा आप ले लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी किताबें मार्केट में नहीं मिल रही है, तो मामला ये उठा। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ऑलरेडी किताबें हैं, मैंने उसके सभी शॉर्ट वेव को मैंने नोट्स में टाइप करा दिए, वो भी संभवतः शाम तक टाइप होकर हमें मिल जाएंगे। तो पूरे कक्षा 3, 4, 5 को पूरा ईवीएस लगभग 100 पेज में आपको आ जाएगा, 100 से 150 पेज में लगभग पूरा ईवीएस आ जाएगा। तो आपको पूरा ईवीएस हम दे देंगे, फिर शिक्षण दे देंगे। शिक्षण पूरा क्या है, पूरा एनसीईआरटी पैटर्न भी आपको हम देंगे, वो भी। फिर आते हैं अगली बात करते हैं। अब आते हैं हिंदी भाषा की बात करते हैं। हिंदी भाषा में पद्यांश और गद्यांश है। पद्यांश और गद्यांश के लिए कुछ पद्यांश और गद्यांश आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम ऑनलाइन आपको सुविधा देंगे। अगर आप हमसे जुड़े हैं चैनल पर, अगर हमारे नोट्स लेते हैं, तो उसके लिए हम आपको देंगे। फिर दूसरी तरफ आते हैं अंग्रेजी की, इंग्लिश के लिए आपको फर्स्ट मिलेगा पैगोलॉजी, और हिंदी की भी पैगोलॉजी और हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, व्याकरण पूछा नहीं जाता, तो आपको व्याकरण नहीं मिलेगा। बहुत सारे कोचिंग वाले व्याकरण पढ़ा रहे हैं, लेकिन व्याकरण सीटेट के लिए नहीं है। तो आपको मिलेगा 9 नंबर का गद्यांश, 6 नंबर का पद्यांश, वो आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। अगर आप नोट्स लेंगे, आपको क्लासेस फ्री हो जाएंगी। फिर उसके बाद आते हैं अगली बात करते हैं। अगला टॉपिक आपको आता है, वो आता है संस्कृत की बात। संस्कृत में भी वही है, गद्यांश और पद्यांश, 15 नंबर की पैगोलॉजी। 15 नंबर पैगोलॉजी में आपको 2 तरह से दे देंगे, हैंड रिटन, हाथ से लिखा, और कुछ किताब से मिला के मैटर आपको उपलब्ध करा देंगे हम। इस तरह से अंग्रेजी में भी इस तरह से देने के बाद फिर आता है, वापस हम आते हैं अपने मुद्दे पे। अब जो सीटेट का पैटर्न है, सीटेट के जो प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न बहुत ज्यादा अलग और डिफरेंट होते हैं। तो अब प्रश्न होता है, सर वहां से प्रश्न सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी मैंने एक तरीका निकाला है। क्योंकि एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फॉर्मवर्क जो है, 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, वहां से प्रतिवर्ष 25 से 30 क्वेश्चन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूछे गए हैं। वो प्रत्येक पैटर्न में 4-4, 5-5 मिलाकर जो उसकी पैगोलॉजी होती है, जो उसका शिक्षण होता है, वहां पे पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं एनसीएफ 2005 के नोट्स आपको अलग अलग किसी मार्केट में नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी की एक है और कुछ अन्य नोट्स को मिलाकर मैं वो आपको उपलब्ध करा दूंगा, जो एनसीईआरटी की ही है। ठीक, इतनी चीजें मिलाकर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। उसके साथ ही साथ समावेशी शिक्षा मैं अलग से नोट्स उपलब्ध कराऊंगा बाल विकास की तरह, क्योंकि समावेशी शिक्षा से हर साल 4-5 प्रश्न पूछे गए हैं, इस साल भी थे जैसा कि आपने देखा होगा 18 में भी। तो इतना चीजों कलेक्शन करने बाद मैं आपको दे दूंगा, और उम्मीद करता हूँ ये नोट्स आपके लिए पूरी तरह से आपके सफलता के लिए, 100+ के लिए काफी है। फिर भी आपको अगर हमारी नोट्स लेंगे, तो कुछ अलग से आपको वीडियोज भी हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे इस नोट्स को कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़कर आप 120+ आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सीटेड यूपीटेड से पूरी तरह से डिफरेंट है। सीटेड यूपीटेड का कोई ही रिश्ता ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, नोट्स के लिए भी एक ही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अब सीटेड अगर आप पास हो जाते हैं, अगर आप 17 बैच के
अगर आप तब भी मुझसे जुड़ेंगे तो आपको 17 बैच का अगर इस बार CTET फिर UPTET सुपर TET मगर इस बार नहीं होता तो अगली बार तक मैंने जब तक आपका अंतिम चयन नहीं होगा तब तक हम आपके साथ रहेंगे। क्योंकि नोट्स और उसी कोर्सेज अलग है क्योंकि आपको साल भर से ज़्यादा पढ़ाने भी हैं। तो फिर हम आते हैं 17 बैच के अगर आप हो तो आप पूरे मनोयोग के साथ CTET दीजिएगा क्योंकि आपके लिए उत्तीर्ण कर लेंगे। अगर इस बार उत्तीर्ण कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए अगली बार के लिए मनोबल आपका ऊँचा हो जाएगा। और रही बात UPTET की तो CTET का अगर सिलेबस आप समझ लेंगे तो CPTET की जो रिटर्न होती है उसमें 10 नंबर के शिक्षण है और प्रत्येक सब्जेक्ट का शिक्षण प्रत्यक्ष रूप से पूछे गए हैं। आप अगर पिछले साल का पेपर होगा तो उठा के देख लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं अगर CTET की जो बेसिक है गणित उसकी बेसिक संस्कृत उसकी बेसिक हर चीज अगर CTET की पढ़ लेंगे तो उसकी बेसिक तैयार हो जाएगी और फिर UPTET में आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और जैसे UPTET आपने पढ़ लिया SuperTET आपने आप बिना पढ़े खाली से जुड़े रहेंगे कुछ वीडियो से आप SuperTET आसानी से कम मार्क्स में ले लेंगे। तो ये था मेरे नोट्स की रूपरेखा। तो मैं आपको पांचों सब्जेक्ट के आपको नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। यह नोट्स आपको बाई पोस्ट आपके घर तक जाएगा। क्यों इसमें कहेंगे सर इसकी PDF दे दिए तो समझ चाहते हैं हम PDF नहीं दे पाएंगे उसके लिए कई ऐसे कारण है। दूसरी बात उस नोट्स को टाइप कराने में जो नोट्स टाइप हुआ है उसमें आप तो जानते हैं हिंदी टाइपिंग कितनी महंगी 25 रुपया पर पेज हिंदी टाइपिंग खर्च करता है तो शायद अगर आप कराएंगे तो जानते होंगे। तो टाइपिंग करा रहे हैं लगभग 3 से 4 लोग मिलकर उसे टाइप कर रहे हैं तो इसलिए उसे PDF फॉर्मेट में आपको उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। वो नोट्स आपको बाई हैंड बाई पोस्ट आपके घर तक जाएगा आपके एड्रेस पर जाएगा। उसके लिए यदि आपको नोट्स उत्सुक है यदि आपको जरूरत हो तो आप 6306344367 नंबर फिर सुन लीजिएगा 6306344367 पे आप कॉल करके वहाँ से नोट्स संबंधी जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया गया है और मोबाइल नंबर भी दिया है आप वहाँ से ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप फेसबुक पेज इलर्निंग विद दुर्गेश टेलीग्राम इलर्निंग विद दुर्गेश और अनअकैडमी पे इलर्निंग विद दुर्गेश हर जगह आप इलर्निंग विद दुर्गेश से सर्च करके वहाँ से भी नोट्स उपलब्ध कर सकते हैं। जैसे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे भी कुछ नोट्स। और साथ ही साथ अगर आप जो हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हैं या जो आपसे नोट्स लेते हैं उनको ऑनलाइन हम प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराएंगे क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको अंतिम रूप से उत्तीर्ण कराना। इसलिए हम आपके सदैव साथ रहेंगे। बस ये है कि आप अगर जिंदगी के प्रतिदिन आप हमें 6 घंटे अपने देंगे तो हम आपके कदमों में अपनी नौकरी देंगे लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और बहुत सारे ऐसी किताबें जिनका सहारा लेके हम PDF में कन्वर्ट कराते रहे तो उसको टाइपिंग हो रही है फिर इस तरह से हम आपको उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ यह है कि आप बेहतर दीजिएगा। हो सकता है आपको नोट्स नहीं चाहिए आपके पास ऑलरेडी नोट्स हों तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिनको और जरूरत हो जिनको और नोट्स की जरूरत हो उन तक साथ पहुँच जाए क्योंकि मार्केट बहुत सारी किताबें हैं और महंगी महंगी किताबें हैं लेकिन आप किताब उठा के देख लीजिएगा फिर पिछले साल के CTET का पेपर देखिएगा फिर आप ये को ये पता चल जाएगा कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं कितने किताबों से प्रश्न आते हैं। मैं प्रैक्टिस सेट भी बनवा रहा हूँ अगर आप कोचिंग संचालक हैं फिर आपको नोट्स चाहिए प्रैक्टिस सेट चाहिए आप वहाँ भी हमसे जानकारी ले सकते हैं। आप मुझे कॉल करके पर्सनली उनसे बात कर सकते हैं हम आपको बताएंगे कैसे पढ़ाना है CTET के लिए क्योंकि अगर आप बच्चों को गुमराह कर रहे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं। अगर आपको ये इच्छा है कि CTET के लिए कुछ बेहतर करें तो आप उससे उसके लिए संपर्क कर ले सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपको क्या कैसे कितना पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। फिर इसी के साथ वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है आपको बुरा भी लग रहा होगा तो नोट्स के लिए 6306344367 डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर दिया गया है। और ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं नोट्स ऑनलाइन क्लासेस और सबसे बड़ी DLED 17-18 बैच के लिए विशेष सुविधा है क्योंकि आपको तब तक पढ़ाएंगे जब तक आपका अंतिम रूप से चयन न हो जाए। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ सिलेबस सेमेस्टर की जो सिलेबस है आपको पूरी तरह से फ्री मिलेगी वो हम आपको वीडियो बना के देंगे। और हाँ इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि जिन तक मैं नहीं पहुँच पाया वो तक भी पहुँच जाए। हो सकता है आपको इस वीडियो जरूरत ना हो लेकिन किसी और की जरूरत हो उन तक जरूर पहुँचा दीजिएगा। और हाँ आपको अगर कोई सुझाव देना हो यदि आपको कोई परामर्श देना हो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइएगा। मैं पुनः बता देता हूँ एक बार नोट्स में क्या करेगा पूरा पहले बाल विकास शिक्षण गणित का शिक्षण पर्यावरण और पर्यावरण का शिक्षण दूसरी तीसरी की बात करते हैं लैंग्वेज फर्स्ट में केवल शिक्षण लैंग्वेज टू में केवल शिक्षण इंग्लिश में दोनों रहेगा ठीक। इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। आपने इतना देर हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।